Nitin Sangwan, an IRS officer, got the 28th rank in the civil services exam 2015. He is a multi-talented personality and a man of few words. He has a good experience of the ground realities and believes in working at the grassroots level to make changes long term. He comes from a middle-class family of Haryana and is very close to his family. His message to the candidates is to keep trying till the end and to not give up. In conversation with .com, he gave us pointers on clearing the the IAS examination. How did you prepare compulsory Compulsory language paper? Compulsory language paper? paper, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो वो चूंकि मैंने अपने ट्वेल्थ तक पढ़े हैं दोनों ट्वेल्थ में मेरे पास संस्कृत था और इंग्लिश कंपल्सरी था तो इसलिए मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं हालांकि मैंने परीक्षा के हिसाब से जो चीज़ें पूछी जानी है अकॉर्डिंग टू दैट आई रिफ्रेश अ फ्यू थिंग्स एंड मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट आई ए एस की मेन्स एग्जामिनेशन में सोशलॉजी था इसके लिए मैंने कहीं पर एक बार कोचिंग भी लिया था लेकिन मेरी खुद की जो तैयारी थी जो मैंने खुद से एक्सप्लोर किया इस सब्जेक्ट को जो मेरा खुद का इंटरेस्ट था मेरे को लगता है वो काफ़ी हेल्प किया मैंने आई प्रपेयर माई ओन नोट्स आई रेडर्स डाइवर्स लाइक आई रेड इग्नू नोट्स आई रेड वेरियस अदर फॉरन अथर बुक्स एंड सो दिस थिंग आई प्रिपेयर माई ओन नोट्स दे बिकम वेरी कंसाइज सो मेरे नोट्स अराउंड चार सौ पेज के थे जो कि मैंने खुद बनाए थे और ख़ुद टाइप किए थे तो उससे एक थोड़ा सा व्यवस्थित हो गया सारा काम जगह जगह पर मतलब डिफरेंट प्लेस पर देखने की जरूरत नहीं पड़ी एग्जाम के टाइम पे तो दैट थिंग हेल्प द लॉट do you think that the educational background of candidates has a direct relation in choosing the subject in the ias mains exam uh, i don't think so uh, in fact uh, most of the people who qualify this examination are from technical backgrounds maybe engineers doctors or other technical backgrounds but they don't opt for their core subjects say mechanical engineering or medicine आई थिंक इसका एक रीज़न ये है कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी लेंदी हो जाते हैं क्योंकि एक तो उनकी डिग्री बाक़ियों से ज़्यादा की होती है चार साल पाँच साल की होती है तो ओबियसली उसमें ज़्यादा पढ़ाया जाता है उनको और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हम अप, अपने आसपास की लाइफ में देखते हैं ऑब्जर्व भी करते हैं रोज़ पढ़ते हैं भी अखबारों में और कहीं ना कहीं दसवीं बारहवीं तक हमने वो पढ़े भी होते हैं हर एक सब्जेक्ट चाहे हिस्ट्री हो जोग्राफ़ी हो इसलिए उनके साथ हमारा कम्फर्टेबल लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है तो मेरे को ये लगता है कि इसलिए लोग अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ना लेके कुछ ये सो so कॉल्ड uh, आसान सब्जेक्ट लेते हैं जिसके साथ वो फेमिलियर ज्यादा होते हैं मे बी वो आसान नहीं होता स्कोरिंग नहीं होता लेकिन फेमिलियरिटी एक इशू है और उसका जो uh, क्या मैं कहूँगा उसको उसके जो कवरेज है मे बी उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है तो इसलिए जो इजीली हैंडल हो सकते हैं सब्जेक्ट वो लेते हैं वट स्ट्रैटीज पेपर वन जनरल स्टडीज़ पेपर वन है मेरे हिसाब से वो सबसे हैवीएसट पेपर है बिकॉज उसमें आपको इंडियन कल्चर में आपको इंडिया के एनशेंट हिस्ट्री से लेकर मिडाइवल हिस्ट्री सब कुछ पढ़ना होता है एंड सिमिलरली इट आल्सो इंक्लूड्स मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आल्सो इट इंक्लूड आल्सो सो इट इज़ द हेवीस्ट पेपर सो इसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था और ख़ासतौर पर वो एरिया जो कि जनरली डिफ़िकल्ट माने जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन कल्चर तो इंडियन कल्चर के लिए मैंने अपने खुद से बहुत ही एक एलेबोरेट काफ़ी एक्सटेंसिव नोट्स बनाए थे तो इन चीज़ों ने मेरे को काफ़ी हेल्प की और अल्टीमेटली जी एस वन में मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं इंडियन कल्चर के लिए मैंने अपना बेस बनाया एन की और एन की बुक्स से उसके अलावा जो सिलेबस दिया हुआ है उस उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया क्योंकि आज के दिन विकीपीडिया वगैरह पे सब कुछ अवेलेबल है आप कुछ भी देखो तो जब आप उन चीज़ों को नेट पे सर्च करते हो चीज़ें चीज़ों की इमेज देखते हो तो क्योंकि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप मान लो कोई डांस फॉर्म है अगर आप उसको वीडियो देखते हो छोटा सा तो आपको वो अच्छे से समझ में आता है कोई आर्किटेक्चर है उसकी बिल्डिंग देखते हो तब तो आपको अच्छे से समझ में आता है तो कल्चर के लिए मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप इस तरह से विजुअल देख देख पाएं उन चीज़ों को और उनकी एक इमेज अपने दिमाग में बिठा सकें और एक आप इंडिया की हिस्ट्री एनशियट हिस्ट्री थोड़ी मोटी मोटी पढ़ लें तो आपके दिमाग में वो एक स्टोरी सी बन जाती है तो उससे आपको कल्चर पढ़ने में उसको समझने में काफ़ी सहूलियत होती है तो ये अप्रोच आप अपना सकते हैं मेरे लिए वो कामयाब रही आई होप कि आपके लिए भी कामयाब रहेगी वट वॉज स्ट्रेटजी फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री आई रेफर मेनली टू वन बुक देर देवर एन सी आर टी बुक्स ओल्ड एंड न्यू एज वेल आई रेड बोथ न्यू एंड ओल्ड एनसीआरटीज एंड द टॉपिक्स विच वर नॉट कवर्ड एट लेंथ इन दोज बुक्स

क्या आपसे फैमिलियर है क्या आपसे अनफेमिलियर है तो आप जो अनफेमिलियर हैं उनसे संकुचित ना हो उनसे थोड़ा सा भागे नहीं दूर तो यू जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर दैम और आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने की डिटर्मिनेशन है तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट उसमें बनेगा एक ना एक दिन तो आप बस इंटरेस्ट बनाएँ अपना और इंटरेस्ट के साथ साथ आप उसको लग जाए जुड़ जाए उसमें आ, इंडियन पोलिटी के लिए आ, जो टाटा मैगरा हिल की बुक है इंडियन पॉलिटी के ऊपर आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट है मेरे लिए मेरे को कल, वो सही लगी और उसके लिए अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डिबेट्स देखते हैं राज्यसभा पे या फिर कुछ भी सोर्स आप लेते हैं जहाँ पे गवर्नेंस के बारे में इसी डिस्कस होते मैं नहीं बोलता कि ये सोर्स ज़्यादा अच्छा है ये सोर्स ज़्यादा बुरा है द पॉइंट इज़ कि आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें आप उस चीज़ के बारे में खुद से भी सोचें एक एक नागरिक होने के नाते आप वो चीज़ें कैसे होनी चाहिए एक एक आम इंसान होने के नज़रिए से वो एक तार्किक रूप से कैसे वो चीज़ें सही रहेंगी सो दैट अप्रोच हेल्प ट्राई टू बी ए बट एनालिटिकल मेक योर ऑन क्रिटिसिजम ट्राई टू गिव यर ओपीनियंस सो दैट दैट थिंग हेल्प इन गवर्नेस इश्यूज़ इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कोई मैगजीन पढ़ते हैं उसी के साथ साथ ही तैयार हो जाता है uh, मेरे को नहीं लगता कि उसके लिए आपको कोई विशेष मेटेरियल uh, पढ़ने की आवश्यकता है मे बी आप उसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह है उसके लिए आप कोई भी एक uh, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर फॉरन पॉलिसी के ऊपर कोई भी किताब है अच्छी सी वो आप पढ़ लें कोई भी एक किताब वो तो सफिशेंट रहेगा आपके लिए लेकिन आप अपने लेवल पे है ना कोई कोई भी न्यूज़ अगर आप पढ़ते हैं आपको उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा उसकी जो बैकग्राउंड है वो आप सर्च कर लें गूगल पर ताकि आपको एग्जैक्टली कोर इशू क्या है उस चीज़ की हिस्ट्री क्या है उस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के रिलेशनशिप के ऊपर तो ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी और अगर आपको एक बैकग्राउंड पता से लग जाए तो आपके एक दिमाग में कहानी सी बन जाती है उस चीज़ की और उसके बाद ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता आप उस चीज़ को उसके इशू को समझने के लिए या फिर उससे रिलेटेड याद करने के लिए हाउ डिड द सोशल जस्टिस टॉपिक्स सोशल जस्टिस टॉपिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू बी अवेयर अफेक्टिंग आवर सोसाइटी फॉर वुमेन एंपावरमेंट सो यू में कौन से इश्यूज़ हैं अर्बन एरियाज में कौन से इश्यूज़ हैं और देश के विभिन्न भागों में वुमेन को कौन से इश्यूज़ अफेक्ट कर रहे हैं तो आपको उनके प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा सोशल इश्यूज़ के बारे में आपको थोड़ा सा उनका मर्म समझना होगा कि हाँ उनको कौन सी तकलीफें हो रही हैं तो आपको अपने सोच के देखो कि आप अगर उस कंडीशन में खुद होते तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती थी तो उनके सोल्यूशन भी क्या होने चाहिए जैसे कि मैं हरियाणा से आता हूँ वहाँ पर सेक्स रेशियो कम है तो मैं ये देख सकता हूँ आस में कि हाँ कैसे हो रहा है ये कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें इसी तरह से किसी और एरिया के बारे में आप खुद सोच के देखो कि वहाँ पर ऐसा है तो क्यों हो रहा है तो आप उस चीज़ को महसूस करो अगर आप उस चीज़ को महसूस करोगे तो ही आपके दिमाग में उसके सोल्यूशन निकल के आएंगे और तभी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो आ रही हैं आप उनका सही प्रायोजन समझ पाएंगे एक्चुअली पेपर थ्री में इकोनॉमिक्स इतने नहीं आती है और अदर आती है मतलब अर्थव्यवस्था आती है अर्थशास्त्र नहीं आता तो ये एक मिसकनसेप्शन है लोगों का कि मेरे इकोनॉमिक्स में मेरे को अच्छी नहीं लगती थी इकोनॉमिक्स में मेरा हाथ सही नहीं है इसलिए मैं इस पेपर में अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो इस पेपर में थ्योरी नहीं आती फर्स्ट ऑफ़ ऑल सेकेंडली इसमें ज़्यादा बड़े फैक्ट नहीं पूछे जाते इसमें जो लॉजिकल बातें होती हैं अर्थव्यवस्था में जो हम आमतौर पर देखते हैं समझते हैं अखबारों में पढ़ते हैं वही चीज़ें आती हैं इसमें तो आप थ्योरेटिकल एरियाज़ में ज़्यादा घुसने के बजाय ज़्यादा फैक्ट याद रखने के बजाय आप चीज़ों को समझो कि फिजिकल डेफिजिट या फिर वित्तीय घाटा जो है वो है क्या चीज़ मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति ये एक्चुअल में है क्या तो आप इन चीज़ों को समझो पहले और उसको एक है ना सिंपल करके चीज़ समझो उसको ना कि जो एक डेफिनेशनल उसके जो एस्पेक्ट होते हैं आप किसी कहीं पर उसकी डेफिनेशन पढ़ते हो तो अगर आपको वो डेफ़िनेशन समझ में नहीं आ रही तो आप उसको रटो नहीं उस चीज़ को समझो पहले तो ये अप्रोच काफ़ी हेल्प करेगी आपको कि चीज़ों को समझो इकनॉमी का सिलेबस ज़्यादा नहीं होता वही घूम फिर के बीस तीस पंद्रह बीस बातें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए तो आप उन चीज़ों को पहले अच्छे से समझो ताकि आपका एक अच्छे से बेस बन पाए तो मेरी सजेशन ये है कि अपना अच्छा बेस बनाओ इकोनॉमी इज वेरी साइंटिफिक साइंटिफिक डिसिप्लिन है इकोनॉमिक्स भी तो आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता इसमें कभी भी नहीं पड़ेगी What was योर strategy फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक्स ये दोनों टॉपिक्स पे पहले शायद इतना ध्यान नहीं होता था जितना कि अब होने लग गया है गिवन देयर सिग्निफिकेंस बिकॉज द लॉस दैट एनी डिजास्टर दैट इम्पार्ट टू एनी सोसाइटी इज़ रिकोगनाइज इट इज वेरी हाई एंड सो मेरे ख्याल से इन दोनों टॉपिक टॉपिक्स के बारे में आपको एक नागरिक की तरह सोचना होगा आम नागरिक की तरह कि अगर डिजास्टर आ जाए तो क्या करना चाहिए हमें उसको डील करने के लिए एक एडिक्यट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं जो गवर्नमेंट लेके आई है इंटरनेशनल लेवल पर क्या मैकेनिज़म्स हैं तो एक बिल्कुल आपको ग्राउंड लेवल से गाँव के लेवल से ले आपके सोसाइटी के लेवल से लेके आपको एक ऊपर पॉलिसी मेकिंग लेवल तक आपको एक सोच एक सोच लेके आनी होगी कि हाँ कैसा होना चाहिए और गवर्नमेंट जो कर रही है वो एडुकेट है या नहीं उसमें डिफिशेंसीज क्या क्या हैं तो इस तरह से अगर आप सोचें तो आपके आंसर खुद खुद ब खुद निकल आएंगे हाउ डिड यू प्रिपेयर द बायोडाइवर्सिटी टॉपिक्स बायोडाइवर्सिटी का जो अभी एक नया सा यू पी एस सी में रिसेंटली क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए हैं तो चूंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है ओनली आफ्टर नाइनटीन सेवेंटीज़ के अराउंड ही सारी दुनिया जागी है पर्यावरण के इश्यूज पर बायोडावर्सिटी के इश्यूज पर तो आपको ज़्यादा इसके बारे में कंसर्न होने की आवश्यकता है भी नहीं क्योंकि 1970 के बाद में हार्डली 15 ऐसे इवेंट हुए हैं जो कि लैंडमार्क हैं तो पहले उन इवेंट्स के बारे में आप पता करो कि वो इवेंट कौन कौन सी हैं उनका महत्व क्या था सिग्निफिकेंस क्या था उन इवेंट्स के कारण से इम्पैक्ट क्या हुए उनके बारे में हाँ एज एज ए वर्ल्ड वाट सोल्यूशन डिड वी कम अप और उन सोल्यूशन का जो हम लेके आए उनका इम्पेक्ट कितना रहा तो आप इन एरियाज़ में आप देखो कोई भी एक छोटी सी सब समिट आती है आप उसके पीछे पागल ना हो आप ये देखो कि कोर इश्यूज़ क्या हैं और उनके मेजर इम्पेक्ट क्या रहेंगे आज के दिन एक एक ग्लोबल सोसाइटी में क्या कंसेंसस बन रही है उस चीज़ के प्रति आप ये देखो इंडिया के एफर्ट्स क्या हैं इंडिया की पोजीशन क्या है हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ में हमने क्या किया है आज तक हमने क्या सपोर्ट किया है किस चीज़ के हमने अपोजिशन किया है तो आप इस डायरेक्शन में सोचो ना कि उस समिट के मेन मेन मुद्दे क्या थे ये तो आपको पता होने ही होने चाहिए लेकिन उन चीज का इम्पैक्ट क्या रहेगा और इंडिया का उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है आप इस चीज डायरेक्शन में ज्यादा सोचा करो वट स्ट्रैटी फोर एथिक्स के पेपर के ऊपर मैंने ज्यादा बहुत कुछ पढ़ा नहीं उसका मेरे अपने खुद के कारण थे बिकॉज दिस इज अ पेपर ऑफ योर एथिक्स दिस इज नॉट अ पेपर ऑफ योर नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल सो इट मीन्स कि वट यू रीड फॉर दिस वोंट हेल्प मच फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडली क्योंकि ये आपके एथिक्स का पेपर है तो जो जितने भी फिलोसफिकल थ्योरीज हैं पोलिटिकल थ्योरीज हैं आप उनमें उतना ना घुसें ये आपके आपका एथिकल व्यू पॉइंट या आपके मॉरल एप्टीट्यूड जानने के लिए है ना कि फिलोसोफर ने क्या कहा किसी ने आ, क्या बात कही है वो देखने के लिए नहीं है तो इस पेपर के लिए आपका अप्रोच एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए कि ये एक एथिकल प्रॉब्लम है

मेन्स एग्ज़ामिनेशन हो या चाहे और कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हो जहाँ पे आपको आंसर लिखने पड़ते हैं जहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव टाइप आ, टाइप आप, आपको आंसर लिखने पड़ते हैं उसके लिए मैं हमेशा एक ही बात अपने दिमाग में रखता हूँ कि अगर मैं एग्ज़ामिनर होता तो मैं कैसा आंसर चाहता क्या हम जो आंसर लिखने जा रहे हैं क्या वो सभी के आंसर के जैसा है इसलिए हमें अपने आंसर को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना होगा चाहे हम उसको अपनी लैंग्वेज के माध्यम से करें चाहे उसमें अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेके आएँ चाहे हम उसमें कुछ थोड़े से फैक्ट डालें चाहे हम उन पॉइंट्स को ऐसे कुछ एलेबरेट करें तो ये जो सारी चीज़ें जो आप करेंगे आप उस आंसर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर पसंद आए अगर उसका आपको आंसर पसंद आ गया और आपकी स्टाइल पसंद आ गई तो आपको डेफिनेटली आपको मार्क्स देगा तो मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि उसमें कुछ ना कुछ नया डालूँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ डालूँ जो बाकी उससे डिफ्रेंशिएट करें तो सिंस मेरी ड्रॉइंग थोड़ी अच्छी थी तो मैं उसमें डायग्राम डालने की कोशिश करता था और जो लैंग्वेज उसकी लिखने की है उसमें फालतू की बातें जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि आप इंट्रोडक्शन पे फोकस करो कंक्लूजन डालो अप आप टू द पॉइंट लिखो बिकॉज एग्जामिनर आपसे सिर्फ मुद्दे की बात पे आना चाहता है वो आपकी कहानियां नहीं सुनना चाहता सो बी टू ट्राई टू बी आंसर्स हाउ राइटिंग प्रैक्टिस इट हेल्प्स स्पेशली इन द केस वैन यू आर नॉट मेंटली वेरी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एटलीस्ट फॉर सम क्वेश्चन और सम पेपर यू शुड ट्राई टू राइट योर आंसर्स बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टू रीजन्स फर्स्ट यू शुड सी वट इज योर राइटिंग स्टाइल सेकेंडली वैदर यू आर एबल टू कम्प्लीट द पेपर इन टाइम सो वैन यू आर राइटिंग यूर एग्जामिनेशन इट हेल्प्स इन दीज टू एस्पेक्ट्स पहले तो आपको पता लगता है कि आप यून टाइम में आप पेपर पूरा कर भी पाओगे या नहीं क्योंकि आजकल लेंथी पेपर आते हैं तो काफ़ी का पेपर छूट जाता है तो आंसर राइटिंग अगर आप घर पर बैठ के करते हैं तो आपको वो इस चीज़, चीज़ का पता लग जाता है और सेकेंडली आ, आपकी जो राइटिंग स्टाइल कैसी है आपके कैसे आंसर निकल के आते हैं वो देखने में इंटरेस्टिंग है या नहीं है उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आते हैं आप क्या क्या भूलते हो लिखते टाइम पे ये बातें जो छोटी छोटी कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस तो नहीं लेकिन एक बेसिक मिनिमम फोकस आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में जरूर करना चाहिए बैलेंस का ऐसा है कि किसी भी एक एरिया में ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए और मेरे ख्याल से किसी को ये नहीं करना चाहिए कि मैं पेपर वन अच्छा कर लूँगा पेपर टू में, में मेरा थोड़ा तंग हाथ है इसको मैं इग्नोर कर दूँगा मेरे हिसाब से एक बैलेंड अप्रोच होना चाहिए बिकॉज आपको मार्क्स पेपर वन में भी लेने हैं टू में भी लेने हैं थ्री में भी लेने हैं फोर में भी लेने हैं और खासतौर पर अगर आपको टॉप रैंक में अगर आप अपने आपको टॉप से डबल डिजिट में सिंगल डिजिट में देखना अपने आप को तो आपका हर एरिया में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए तो इसको आपको एक इवन पेपर तो थो छोड़िए थो आपको एक सिंगल टॉपिक भी इग्नोर नहीं करना है तो आपको हर चीज़ कवर करके चलनी है हर चीज़ बैलेंस करके चलनी है